डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 11 है और चैप्टर का नाम है ऋतुओं का चक्र। तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं समय समय पर आती रहती हैं और उसका कुछ फ़ायदा और नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में स्टडी करेंगे। भारत विविधताओं का देश है। भारत में ऋतुओं की जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। यहाँ 6 ऋतुएँ होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। प्रत्येक ऋतु का समय दो दो मास का होता है। वैशाख और जेठ मास में ग्रीष्म, आषाढ़ सावन में वर्षा, भाद्र आश्विन में शरद, कार्तिक अघन में हेमंत, पूष माघ में शिशिर तथा फागुन चैत में वसंत ऋतु होती है। तो हमारे देश में सभी चीज़ों का विविधता है। यहाँ कई सारे धर्म हैं, कई तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पे अन्य चीज़ों की जो विविधता होती है उसी अनुसार जो है यहाँ पे ऋतुओं की भी विविधता है। अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, तो यहाँ 6 प्रकार की ऋतुओं को बताया गया है। वैसे सामान्यतः हम लोग 3 तरह के ऋतुओं को पढ़ाई करते हैं, लेकिन 6 तरह की ऋतुएं होती हैं और सभी ऋतुएं जो है दो दो महीने की होती है। जिस तरह से यहाँ पे हिंदी नाम, हिंदी महीने का नाम में बताया गया है बैसाख, जेठ, आषाढ़ सावन, इस तरह से। तो कम से कम अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हिंदी महीने का भी नाम जानना चाहिए। आगे दिया हुआ है, भारत में एक ही समय में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतुओं के दर्शन होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है उस समय दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु में जहां एक ओर चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग में साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे देश में अलग अलग टाइम सेम रहेगा लेकिन अलग अलग ऋतुओं को एक ही टाइम में देखा जा सकता है। जैसे कि उत्तर भारत में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय दक्षिण भारत जो है काफ़ी गर्म रहता है, उस समय जो है वहाँ गर्मी पड़ती है। और वर्षा जो है चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा पड़ती है, ये मेघालय में है। मेसुरम नाम का जगह है जहाँ पर ये चेरापूंजी है और वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ये जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जगह में होती है, तो चेरापूंजी नाम का स्थान या मेसुरम नाम का स्थान आप दे सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ बताया जा रहा है कि राजस्थान में कम से कम बारिश होता है, साल भर में लगभग नहीं के बराबर बारिश होता है। ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। यानी मतलब है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऋतुओं को देखा जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ऋतुएँ होती हैं। ऋतुओं की यह विविधता हम भारतीयों को आनंद से भर देती है। जब हम एक ऋतु के प्रभाव से आकुल व्याकुल होते हैं तब दूसरी ऋतु का आगमन हमें सुखद प्रतीत होती है। ग्रीष्म की तपन से जब समस्त प्राणी जगत व्याकुल हो उठता है तब वर्षा ऋतु के आगमन से सभी के मन मयूर नाच उठते हैं। हमारे देश में ऐसा ही होता है, जब अधिक गर्मी पड़ती है तो हम लोग उस समय सर्दी खोजते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ठंड लगे, तो फिर वैसा नहीं होता है। लेकिन जब लोग व्याकुल हो जाते हैं, लोगों को काफ़ी असहज महसूस होने लगता है, तो उतना समय होते होते फिर से वर्षा ऋतु आ जाती है, ठंड ऋतु आ जाती है। इस तरह से बदलाव हो जाता है और हमें अच्छा अनुभव होता है। आइए अब हम इन ऋतुओं के बारे में भी जान लें। तो अलग अलग ऋतुएं जो दिया हुआ है 6 प्रकार के, ये सारे ऋतुओं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी ऋतु है, गर्मी का मौसम है। इस ऋतु में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस ऋतु में पृथ्वी जलने लगती है, ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो तवे के समान गर्म हो जाती है। श्रीधर पाठक के शब्दों में, यह एक कवि हैं और ये एक कविता ग्रीष्म ऋतु के बारे में दो लाइन लिखे हुए हैं। जेठ के दारुण आतप से तप के जगती तल जावे जला, नव मंडल छाया मरुस्थल सा दल बांध के अंधड़ आवे चला। तो यहाँ पे ये लाइन जो है बतलाया गया है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इस ऋतु में तेज लुएं चलती है, गर्म गर्म हवाएं जो चलती है उसको लू कहा जाता है। अनेक संक्रामक बीमारियाँ भी इसी ऋतु में उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु के अनेक लाभ भी हैं। कृषि के लिए यह ऋतु बहुत उपयोगी है। अत्यधिक गर्मी के कारण खेती के विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और खेत कृषि के योग्य हो जाते हैं। तो सभी मौसम का अपना अपना रहस्य छुपा हुआ है, वो क्यों उपयोगी है, निश्चित रूप से वो काफ़ी उपयोगी होते हैं, ये हमें समझना होगा। आगे दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु की असह्य गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु का भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व है। हमारे कवियों ने तो इसे वर्षा रानी की उपाधि देकर इसके सम्मान में अनेक कविताएं रच डाली है। वर्षा ऋतु भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह वर्षा पर ही इसकी कृषि टिकी हुई है। अगर वर्षा ना हो तो यहाँ पे खेती का होना काफ़ी मुश्किल है। और यह आगे दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक कवि हैं, उनके द्वारा वर्षा ऋतु पर यह लाइन लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, वर्षा की ठंडी फुहारों से हर प्राणी का चित्त प्रसन्न होता है, नदी नाले पानी से लबालब भर जाते हैं, बागों में मयूरों का नृत्य मनभावन प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु आनंददायिनी तो है, किंतु इसकी अधिकता अनेक विपदाओं को भी जन्म देती है। बाढ़ की विकरालता खड़ी फसलों को ले डूबती है और मकानों को ढा देती है। तो वर्षा ऋतु काफ़ी उपयोगी है फसल के लिए, और इससे सभी लोगों के जीव जंतु का मन प्रसन्न हो जाता है। काफ़ी गर्मी जो लोग इतने दिनों तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद से जो है वर्षा ऋतु काफ़ी अच्छी लगती है। सभी जलाशयों में पानी भर जाता है, नदी नालों में पानी भर जाता है, लेकिन यदि अधिक वर्षा हो तो उससे भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और बाढ़ों से फसल नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई घर जो होते हैं, कच्चे घर होते हैं, उसे वर्षा ऋतु तोड़ देती है। वर्षा के बाद आगमन होता है शरद ऋतु का। तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। यह ऋतु हमें वर्षा से उत्पन्न गंदगी से छुटकारा दिलाती है। इस ऋतु में काली काली घटाएं नहीं घूमती और पृथ्वी पर फूल खिल जाते हैं। तो शरद ऋतु आने पर जो है वर्षा ऋतु से उत्पन्न गंदगी मतलब कीचड़ जो ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे पक्के रास्ते नहीं होते वहाँ पे कीचड़ हो जाते हैं, उन कीचड़ों से हमें राहत मिल जाता है। ज़्यादा पानी नहीं पड़ने के कारण जो है वो कीचड़ सूख जाते हैं और उसे उस रास्ते पे चलने में हमें कठिनाई नहीं होती है। इस ऋतु में काली काली बादल नहीं दिखाई देते और बारिश उतनी नहीं हो पाती है, फूल खिल जाते हैं, हरियाली नज़र आने लगती है। तुलसीदास जी शरद ऋतु के बारे में यहाँ पे दो लाइन लिखे हुए हैं। तुलसीदास ने शरद ऋतु के आने और उसके सुहावने मौसम का चित्रण कुछ इस प्रकार किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, मतलब वर्षा के बाद जो है शरद ऋतु आती है, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। वे जो रामायण की रचना किए हुए हैं जिसमें सीता राम लक्ष्मण का नाम आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मण देखो परम सुहाई मतलब मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है, इस तरह से बतला रहे हैं। इस ऋतु की चांदनी रात अत्यंत प्रिय लगती है। विजयदशमी का पर्व इसी ऋतु में आता है, तो इस ऋतु का चांदनी रात मतलब पूर्णिमा की रात जो होती है काफ़ी अच्छी लगती है, और इसी ऋतु में विजयदशमी अर्थात दुर्गा पूजा का जो पर्व होता है वो इसी ऋतु में आता है। शरद के बाद हेमंत का पदार्पण होता है, मतलब शरद के बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अब रातें बड़ी होने लगती है और दिन छोटे, जाड़ा आरंभ तो हो जाता है पर अभी उसमें तेज़ी नहीं आती, मतलब ठंड के ऋतु का यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है लेकिन उतनी ठंड नहीं होती। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु में शीत पूरी शक्ति के साथ आ जाती है, दिन और छोटे हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह ऋतु श्रेष्ठ मानी जाती है। ठंड की जो मौसम है, ठंड का मौसम स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस ऋतु में पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है, मतलब हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो आसानी से पच जाती है, पाचन शक्ति में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। निर्धन वर्ग के लिए यह ऋतु कष्टदायी होती है क्योंकि उनके पास उन्हीं वस्त्रों का अभाव रहता है। इस ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं, शिशिर ऋतु को ही पतझड़ कहा जाता है, और यह लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए यह कष्टदायी ऋतु है क्योंकि उनके पास ऊनी वस्त्र कम होते हैं या लगभग नहीं होते हैं, तो जिनके पास नहीं होते हैं उनको इस ऋतु में समय बिताना काफ़ी मुश्किल होता है। इस ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं क्योंकि शीत की अधिकता के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। पतझड़ कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में पेड़ों के पत्ते जो है वो ठंड के कारण गिर जाते हैं। शिशिर के पश्चात आगमन होता है वसंत का, इसे ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य में असीम वृद्धि हो जाती है। वसंत ऋतु में बागों और खेतों की शोभा देखती ही बनती है। आम के वृक्षों में मंजरियाँ लग जाती है और खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा उठते हैं। ये ऋतु जो है वसंत ऋतु जो है काफ़ी सुंदरता के लिए सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है, इसीलिए इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यहाँ पे पिक्चर जो दिखाया गया है उसी तरह का दिखाया गया है। पिक्चर में कई सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे फूलों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, पंछियाँ चहचहाती है और लगभग सभी पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है। कवि सेनापति वसंत की शोभा का वर्णन इस प्रकार करते हैं, कवि का यहाँ पे दो लाइन दिया गया है। यहाँ पे बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है। तो यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है वसंत ऋतु के बारे में, कवि सेनापति के द्वारा ये रचित है। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी और होली के पर्व अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इस ऋतु में मदनोत्सव मनाया जाता था। तो मदनोत्सव क्या होता है हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में मनाया जाता था तो ये कोई त्यौहार ही है, लेकिन अब इसे नहीं मनाया जाता है। विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की विविधताओं से युक्त
ऋतु चक्र के दर्शन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में जो मौसम की जो ऋतुओं की विविधता मिलती है वो किसी भी देश में नहीं मिलेगा और नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ठंड, वर्षा, गर्मी सभी प्रकार की ऋतुओं का दर्शन हो जाता है, लेकिन दूसरे देशों में, विदेशों में क्या होता है, एक प्रकार की ही ऋतु ज़्यादा रहती है, ठंड है तो ठंड और गर्मी है तो गर्मी। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ दिया हुआ है जो कि सभी चैप्टर्स में दिए रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पे सारे वर्ड्स दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह का दिया हुआ है जो कविता के लाइन जो दिए हुए थे उससे संबंधित यह क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। ये है नेक्स्ट पेज भाषा अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है और यहाँ पे संधि विच्छेद करने के लिए दिया हुआ है इत्यादि उपयुक्त प्रत्येक स्वच्छ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है इत लगाकर प्रत्यय, इत प्रत्यय लगाकर यहाँ पे शब्द बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ पे शब्द बनाया गया है तो पूर्ण शब्द क्या होगा, जैसे आनंद जोड़ इत है तो आनंदित हुआ, उसी तरह से विकास जोड़ इत तो विकसित हो जाएगा, यहाँ पल्लवित हो जाएगा और यहाँ पुष्पित हो जाएगा। आगे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद ये प्रत्यय, इस तरह से ये प्रत्यय लगाकर आपको बनाना है यहाँ पे शब्द, जैसे कि भारत जोड़ ईयर तो भारतीय हो गया, राष्ट्र जोड़ ईयर तो राष्ट्रीय हो गया। आगे और दो शब्द लिखने के लिए कहा गया है तो आगे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस तरह का जो शब्द दिया गया है उसमें बताया गया है कि इस तरह का जो शब्द होता है जहाँ पे मरुस्थल सा किसी के साथ जो उसकी तुलना होता है, तुलना होती है, जहाँ एक प्राणी या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार इस तरह से होता है। आप इसको अलंकार जो है आप लोगों को काफ़ी पढ़ने को मिलेगा 8 क्लास में 9 क्लास में, इसीलिए जो है आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ये जो क ख ग 3 लाइन जो दिया हुआ है यहाँ पे उस अलंकार शब्द को दर्शाने के लिए कह रहा है, पहचानने के लिए कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो उपमा अलंकार से संबंधित है। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है यहाँ पे विशेषण बनाओ, यहाँ पे रेगिस्तान से रेगिस्तानी हो गया, पहाड़ से पहाड़ी हो जाएगा, बर्फ़ से बर्फीली हो जाएगा और मैदान से मैदानी हो जाएगा। तो आगे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो है योग्यता विस्तार में यहाँ पे बतला रहा है कि अपने किसी भी फ्रेंड को एक पत्र लिखना है जिसमें कि भारत के अलग अलग ऋतुओं के बारे में उसमें बतलाना है और ऋतु चक्र पर एक चार्ट बनाना है और उसे कक्षा में टांगना है। तो यहाँ पे ये सब कार्य आप अपने खुद कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। ये है चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। भारत में ऋतुओं की विविधता किस प्रकार मिलती है? भारत में 6 विभिन्न ऋतुओं की विविधता देखने को मिलती है। ये 6 ऋतुएँ हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। वर्षा की विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु की विविधता मुख्यतः इन दो जगहों में दिखाई देती है, चेरापूंजी जहाँ संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती। दूसरी ऋतु का आगमन क्यों सुखद प्रतीत होता है? जब हम एक ऋतु के प्रभाव से आकुल व्याकुल हो उठते हैं तब दूसरी ऋतु का आगमन हमें सुखद प्रतीत होता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वैशाख और जेठ का महीना ग्रीष्म ऋतु का होता है। इस ऋतु के तपन से समस्त प्राणी व्याकुल हो जाता है। दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी हो जाती है, दिन भर तेज लुएँ चलती हैं, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तथा अनेक संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वर्षा ऋतु का प्रभाव किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? वर्षा ऋतु का भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व है। भारतीय कृषि वर्षा ऋतु पर ही टिकी हुई है। इस ऋतु में नदी नाले पानी से लबालब भर जाते हैं, यदि अधिक वर्षा हो तो बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। बाढ़ खड़ी फसलों को बर्बाद कर देती है और कई मकानों को भी गिरा देती है। शरद ऋतु क्यों सुहानी प्रतीत होती है, यह कब आती है? शरद ऋतु हमें वर्षा ऋतु से उत्पन्न गंदगी से छुटकारा दिलाती है। पृथ्वी पर फूल खिल जाते हैं। इस ऋतु की चांदनी रात अत्यंत प्रिय लगती है। विजयदशमी का पर्व इसी ऋतु में मनाया जाता है। यह ऋतु भाद्र आश्विन महीने में आता है। शिशिर ऋतु क्यों अच्छी मानी जाती है? शिशिर ऋतु स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस ऋतु में पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य की असीम वृद्धि होती है। बागों और खेतों में हरियाली छा जाती है। इस ऋतु में वसंत पंचमी और होली के पर्व अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है जिसका
जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो वन नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कवियों द्वारा रचित लाइन को लिखा गया है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका वन नंबर का आंसर जेट हो जाएगा। टू नंबर का आंसर तवे के समान धरती किस तरह की गर्म होती है, इस तरह का क्वेश्चन है उसमें। और आगे जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा आकाश मरुस्थल सा लगता है अत्यधिक गर्मी के कारण। और भाषा अध्ययन जहाँ पे हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया था। इत्यादि का इति जोड़ आदि हो जाएगा, उपयुक्त का ऊपरी जोड़ युक्त हो जाएगा, प्रत्येक का प्रति जोड़ एक, और स्वच्छ का सुजोड़ अक्ष। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है आनंदित विकसित हो जाएगा, पल्लवित पुष्पित भारतीय राष्ट्रीय दर्शनीय राजकीय इस तरह का शब्द लिखने के लिए कहा गया है प्रत्यय लगा के, तो इस तरह का शब्द यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर जहाँ पे उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कहा गया है तो क नंबर में फूल सी हो जाएगी, ख नंबर में अरविंद से, और ग नंबर में हाथी सा। क्वेश्चन नंबर फोर में रेगिस्तान से रेगिस्तानी बनाया गया है, पहाड़ से पहाड़ी, बर्फ से बर्फीली और मैदान से मैदानी। इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।